24 सितंबर को गैस डिलीवरी वाहन से लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को झगा पुलिस ने लूट के रुपए व अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि झगा पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बैजनाथ पुत्र राजमोहन यादव निवासी खुरमा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 9,100 रुपए नगद व एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ डेढ़ माह पूर्व गैस डिलीवरी की गाड़ी से थाना जगह के हरिया क्षेत्र से 20,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त को 6,500 रुपए मिला था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है तथा शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में जगह थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, उप निरीक्षक अभय कुमार पांडे, कांस्टेबल सुनील कुमार गौतम, कांस्टेबल सलमान, एसओजी टीम प्रभारी धीरेन्द्र राय, उप निरीक्षक अरुण सिंह, हेड कांस्टेबल राशिद अख्तर, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल इंद्रीश वर्मा, अरुण वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने कहा, थाना जगहा क्षेत्र में 24 सितंबर को एक लूट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में जगहा थाने पर लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे में अब अभियुक्तगण की तलाश किया जा रहा था, जो आज जो है सुबह के समय लगभग 4:10 पर उस घटना से संबंधित एक अभियुक्त जो है गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो है लूटी गई जो संपत्ति है नगद रुपया बरामद हुआ और एक कट्टा 315 बोर, एक जो है कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ और एक अपाची गाड़ी। अभी तक तो पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है, लेकिन इसके द्वारा लगभग 20 दिन पूर्व जो है गगहा थाने में भी एक लूट की घटना की गई थी 7 सितंबर को। उस घटना में भी यह रहा और इसके साथी रहे। मुकदमा जो है जिस समय लिखा अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था, पुलिस द्वारा विवेचना करके विवेचना के दौरान इनको प्रकाश में लाया गया और प्रकाश में ला करके इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके पास से जो है नगद कुछ रुपए, अपाची गाड़ी और इनके पास से एक अदद जो है 315 बोर का कट्टा और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और दोनों मुकदमों का गगहा थाने का और जगहा दोनों थाने के में लुटे हुए नगद कुछ रुपए भी बरामद किए गए। अभी फरार साथियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उनकी तलाश चल रही है, उसके लिए टीम गठित कर ली गई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी।